सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए। दोस्तों, आप MS धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइटनिंग फास्ट, मतलब बिजली से भी तेज। ये शब्द धोनी को काफी सूट करता है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और आखिरी T20 मैच में जब सब कुछ न्यूजीलैंड के फेवर में जा रहा था, तो धोनी ने अपनी इसी बिजली से तेज दिमाग और स्किल का इस्तेमाल किया और भारत को पहला विकेट दिला दिया। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल रहा था, 8 ओवर भी बीतने वाला था और स्कोर बोर्ड पर 80 रन लग चुके थे। कॉलिन मुनरो और टी सीफर्ट धांसू रफ्तार से रन बना रहे थे। इतने में कुलदीप यादव के इस ओवर में धोनी ने कुलदीप को जैसी गेंद करने को कहा, इस चाइना मैन ने वैसी ही की और सीफर्ट इसमें फंस गए। इस बल्लेबाज ने गेंद को आगे से खेलने की कोशिश की और पीछे से पैर मामूली से बाहर निकला। गेंद पीछे धोनी के दस्तानों में गई और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से धोनी ने गिल्लियां बिखेर दी। थर्ड अंपायर को भी काफी वक्त लगा था कि ये तय करने में कि बल्लेबाज आउट है या नहीं, मगर इसी बीच धोनी जिस कॉन्फिडेंस से अपने टीम प्लेयर से बातचीत कर रहे थे, तो ये साफ था कि टीम इंडिया को पहला विकेट मिल चुका है। फिर थर्ड अंपायर ने भी इसे आउट करा दिया। कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर ये बोलते हुए सुने गए कि धोनी 33 साल की उम्र में 19 साल की एनर्जी रखते हैं और ये टीम इंडिया के लिए काफी गजब का योगदान दे रहे थे। न्यूजीलैंड का ये विकेट 80 के स्कूल स्कोर पर गिर गया और तब सीफर्ट ने 25 गेंदों पर 43 रन लगाए थे। इसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है MS धोनी के लाइटनिंग स्टंपिंग के बारे में? आप अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।